हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी कंपनी में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर हमारा जो है सीमेंट ब्रिक्स का प्लांट चल रहा है। तो अभी हम आपको इनसे बात करके बताएंगे कि कैसे इन्होंने काम स्टार्ट किया था, कैसे क्या होता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर के हमारे यहाँ कमेंट आते हैं। बहुत से कस्टमर सवाल करते हैं कि सर, हमें जहाँ प्लांट लगा हुआ है, जो बंदा ईंट बना रहा है, उनसे आप बात करवाइए या वो चलता हुआ प्लांट दिखाइए कि भाई कैसे इसमें ईंट बनती है, क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कितने बंदों की आवश्यकता होती है और कैसे हम वो जो सारी प्रोसेसिंग है। तो हम आपको ऐसी जगह आज लेकर आए हैं जहां पर ये सारी प्रोसेसिंग चल रही है, वो जो मतलब पूरा प्लांट लगा हुआ है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, कैसे उसका जो रॉ मटेरियल तैयार किया जा रहा है, कितने बंदे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाइट वाइट दिख रही होगी, फ्लाई एस्क बोलते हैं इसको। ये अपने सीमेंट में जो ईंट बनाने में जो काम में आती है, ये पहला रॉ मटेरियल है। दूसरी आपको यह है कंक्रीट, जो उसकी आती है डस्ट बोलते हैं इसको, कंक्रीट की वो है। तीसरा इसके अंदर यूज होती है दोस्तों सीमेंट, जो अपने नॉर्मली सीमेंट आता है 300 रुपये 250 रुपये का जो कट्टा यूज में आता है, वो वाली चीज इसमें यूज में आती है। तो आइए देखते हैं अभी इनका मिश्रण कैसे होता है, कैसे ईंट तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, सीमेंट के जो कट्टे होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, ये इस टाइप की सीमेंट होती है। तो अभी हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईंट कैसे तैयार हो रही है, कैसे इसमें ईंट बन रही है। तो जैसा कि आप अभी सामने देख सकते हैं, ये मशीन चल रही है, ये बंदा ईंट लेके जा रहा है, ठीक है। ये ईंट रेडी हो चुकी है और एक बंदे का जो काम रहता है वो रॉ मटेरियल डालने का रहता है। ये मिक्सर होता है दोस्तों, आप इसके जरिए इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से बंदा दूसरा यहाँ से भर के ले जाता है, ये बंदा इस टाइप से, एक बंदा यहाँ से उसको भर भर के मशीन में ले जाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से ये सारा काम जो है वो इस टाइप से चालू होता है। ये बंदा अभी इनमें आपको रॉ मटेरियल डालेंगे। सर दिखाइए एक बार कैसे क्या होता है, ये देखिए इस टाइप से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ईंट बनके रेडी है, अब बंदा ले जाएगा। इसके बाद जो है इसको सुखाने की प्रोसेसिंग होती है, जो कुछ इस टाइप से होती है। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के जो लकड़ी के फंटे होते हैं, जिनको अपन पाटिया या फंटे भी आप इनको बोल सकते हो, इन पे एक फंटे पे चार ईंट आती है। तो वहाँ से जो ईंट रेडी होके बंदा लेके आएगा, वो इसके ऊपर लेके आएगा। इसमें आपको लगभग 200-500 फंटे या 1000 फंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी उतने फंटे आपको रखने होते हैं, जितना आप बड़ा प्लांट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस पर बंदा ले लेके आता है, फिर वो बंदा इस टाइप से कुछ सुखाता है यहाँ पे। ये ईंट लगभग 4-5 घंटे धूप में सूखने के बाद इसको पानी पिलाई के लिए पलटी मार दी जाएगी, फिर इसको पिलाई की जाती है। कुछ इस टाइप से आप जमा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये सारी ईंटें जमी हुई है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये अब इनको इनमें पानी पिलाना करना, ये प्रोसेसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा किस टाइप से इसका जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होता है, किस टाइप से आपको मिक्स करना होता है, कितनी लेबर की आपको ज़रूरत होती है, किस टाइप से आपकी मशीन काम करती है। मशीन सिंगल फेज से भी चल सकती है, थ्री फेज से भी चल सकती है, वो आपके अकॉर्डिंग आप कैसे चलाना चाहें, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, छोटी सी जगह में काम स्टार्ट हो जाता है, कोई आपको भारी मात्रा में लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो लेबर है वो अनट्रेंड भी होगी तो भी चलेगी, क्योंकि कोई विशेष काम नहीं करना होता है। मशीन फुल ऑटोमेटिक है, आराम से कोई भी बंदा ऑपरेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सर जो है वो भी आराम से लाइट से चलता है, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आती है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसमें आपको लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट की, और जो लेबर चार्ज वगैरह है, आपको लाइट बिल कितना आएगा, और आपको जो तैयार ईंट है वो कितने में पड़ेगी, और माल तैयार होने के बाद आपका कितने में सेल होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आती है वो डस्ट आती है, जो कंक्रीट की डस्ट आती है वो यूज़ में आएगी, लगभग 50 पैसे पर ईंट की उसकी कॉस्टिंग पड़ती है। दूसरी चीज़ आती है फ्लाई एस्क, जो कि नॉर्मली मार्केट में फ्री में अवेलेबल होती है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, तो आपको लगभग पर ईंट पे 50 पैसे का उसका खर्चा आता है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों सीमेंट, जो कि नॉर्मली 320 रुपये से स्टार्ट होता है, 400 रुपये तक का जो 50 किलो का कट्टा आता है वो मिलता है आपको। तो आप इसमें नॉर्मली जो सीमेंट यूज में लेना चाहें 350 रुपये तक का मीडियम साइज का वो ले सकते हैं, उसमें आपको लगभग 60 से 65 पैसे जो है वो पर ईंट पे सीमेंट की कॉस्ट पड़ती है दोस्तों। फिर होता है दोस्तों आपका लेबर चार्ज, जो लेबर रहेगी उसे आप ठेके में भी दे सकते हैं, और आप अगर उनसे पर डे पे मजदूरी के हिसाब से काम करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो लेबर का जो कॉस्टिंग रहेगा वो भी आपको लगभग 50 से 60 पैसे ही रहता है पर ईंट पे, वो आपको उनको पे करना होता है। उन सारी चीज़ों को मिला के फिर आपकी लास्ट में आती है बिजली और पानी,
जो इसको पकाने के लिए यूज में लिया जाता है और इसको मिक्स करने के लिए यूज में आता है वो लगभग आपका 25 से 30 पैसे पर ईंट पे पानी का खर्चा होता है। तो ये सारा खर्चा मिला के आपको लगभग 2 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये 60 पैसे में एक ईंट बन के तैयार हो जाती है। वो डिपेंड करता है उसकी साइज पे, अगर आप बड़ी साइज बनाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी तो वो वापस बिकेगी भी ज़्यादा। और अगर सेलिंग प्राइस की अपन बात करें तो जो ईंट आपके 2 रुपये से 50 पैसे से 60 पैसे में तैयार हो रही है वो आपकी 3 रुपये 50 पैसे से लेकर के 3 रुपये 70 पैसे तक मार्केट में सेल होती है। तो इसमें आपको लगभग 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसा 25 पैसा आपको मार्जिन पर ईंट पे मिल जाता है। और अगर इस मशीन के प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग आपका जो इसके अंदर लेबर रहेगी 8 से 10 घंटे की अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो 4,000 से 4,500 ईंट यह तैयार आराम से इजी वे में कर लेती है। यानी पर हावर जो इसका प्रोडक्शन रहेगा लगभग 400 से 450 ईंट का रहता है। इसके साथ ही अपन अगर इसकी बिजली की बात करें तो सिंगल फेस घरेलू कनेक्शन जो होता है उससे भी चल जाती है, 3 फेस से भी चल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास 1 HP की मोटर चलाने की है तो उसमें भी आपकी आराम से चल जाएगा और ज़्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता भी नहीं होती, छोटी सी जगह में भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। तो टोटली अपन अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग आपका 1.25 लाख रुपये के अंदर आराम से ये काम चालू हो सकता है। ओन डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग पे और कैसे क्या। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस टाइप से ये ईंट जो है वो तैयार हो रही है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज में किया जा रहा है, आपको कितने रुपये का रॉ मटेरियल पड़ेगा और कितने रुपए में आप वापस तैयार माल सेल कर सकते हैं। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए, आप हमारे कॉल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके, वहाँ पे हमारे पास 40 बंदों का स्टाफ है वो आपको पूरी जानकारी देगा। और आपको अगर मशीन चलती हुई देखनी है या और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी फैक्ट्री विजिट करके भी मशीन देख सकते हैं, अगर आप यहाँ आके ले जाना चाहें तो भी ले जा सकते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो कंपनी होम डिलीवरी भी करवाती है, आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो कंपनी कैश ऑन डिलीवरी भी आपको अवेलेबल करवाएगी। वो डिपेंड करता है आपकी सुविधा के हिसाब से कि भी आपको क्या सुविधा चाहिए। धन्यवाद।